हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पाइटॉट ट्यूब। ओके, तो पाइटॉट ट्यूब क्या होती है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ओपन चैनल। ओपन चैनल मीन्स आपके रिवर हो सकती है, देन आपकी नहर हो सकती है, नहर को हम बोलेंगे कैनल या कोई कोई कैनाल भी होता है। क्लियर हो गया? अभी ये जो पाइटॉट ट्यूब है ये एक टाइप की बेंट एल शेप ट्यूब होती है जो हम ओपन चैनल में कहीं पर भी उसको डिप करके आपकी रिवर की या फिर कैनल की या फिर नहर की क्या वेलोसिटी है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे, सपोज ये आपका रिवर यानी कि नहर की टॉप सरफेस, टॉप सतह है। ओके, अब इसमें जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है मैं इसमें डिप कर देता हूं। मैंने इंस्ट्रूमेंट डिप कर दिया है तो दिस इज एल शेप कुछ नहीं होता, ये एल शेप ट्यूब होती है जो कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। नॉर्मली इट इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी और मैन्युफैक्चर। ओके, विद अ सर्टेन सीवी वैल्यू, इसकी कुछ सीवी वैल्यू होती है जो वो देते हैं। सपोज इट दिस इज 0.9, 0.98 ऐसी वैल्यू। क्या होता है? क्योंकि ये जो नहर है या फिर कैनल है ये कुछ सर्टन वेलोसिटी से चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी तो डेफिनेटली होगी, मगर वही अपने को फाइंड आउट करनी है कैसे। सपोज ये एंट्री पॉइंट, पानी यहां से एंटर हुआ, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, और ये पाइपलाइन इसकी पाइपलाइन की एक सेंट्रल लाइन है। सपोज ये मैं कर रहा हूं, ओके, या इस पॉइंट पे मैं एक मार्क कर ले रहा हूं, दैट इज जहां पे एंटर हो रहा है पानी, दैट इज पॉइंट नंबर वन, और जहां पर लगभग ट्यूब खत्म हो जा रही है दैट इज पॉइंट। अब यहां पे मार्क कर रहा हूं कि यहां पर प्रेशर V1 है, वेलोसिटी V1 है, ओके, और पॉइंट टू पे वेलोसिटी V2 है, और मीन्स प्रेशर V2 है और वेलोसिटी V2 है। क्या होता है कि जैसे ही आपका पानी एंटर होता है ये कुछ सर्टेन वेलोसिटी से ट्रेवल करता है जो इस पूरी रिवर की वेलोसिटी है, ये कैनल की वेलोसिटी है, मगर जैसे ही यहां पर पहुंचता है, मगर जैसे ही यहां पर ये पहुंचता है यहां पे इसको स्टॉप होना पड़ता है। तो स्टॉप होने के दौरान क्या होता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। इस वजह से आपको सर्टन लिक्विड राइज होता दिखेगा। सपोज ये लिक्विड यहां तक आ गया है, मैं एक्चुअली इस पाइपलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, पाइपलाइन को थोड़ा छोटा। सपोज यहां तक आ गया, मैं इस हाइट को ले लेता हूं, दैट इज नाउ एच, और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है दैट इज कैपिटल। मतलब अगर देखा जाए तो ये कैपिटल एच ही हुआ। अभी तक मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा डायग्राम। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को इस की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग पाइटॉट ट्यूब, तो मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा। बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइंग Bernoulli's equation between section 1 and 2. मैं कैसा लिखूंगा? सपोज E1 by root G plus Z1 plus B1 square by 2G equal to P2 by root G plus Z2 plus B2 square by 2G. इसको बोलेंगे प्रेशर हेड, इसको बोलेंगे डेटम हेड, इसको बोलेंगे वेलोसिटी हेड। मगर क्योंकि मैंने एक 1 1 1 सबके लगाया है तो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन, दिस इज सेक्शन 1। मैं सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं, सेम सेक्शन 2 के लिए, मतलब मैं पॉइंट 2 की बात कर रहा हूं। अब आप देखेंगे, सपोज ऐसा मान लीजिए कि अभी अगर नदी होगी या फिर आपका कैनल होगा तो उसका कुछ बॉटम भी होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं तल, तल होगा। तो अभी Z1 क्या होता है, डेटम क्या होता है, एक रेफरेंस लाइन होती है आपकी यहां से लेकर यहां, ये Z। अब आप देखेंगे कि पॉइंट वन जो है यानी कि डेटम हेड इसका है Z1 यानी कि डेटम हेड, ये वाली इसी को Z1 बोल रहे हैं, और Z2 क्या है, यहां से लेकर यहां तक। आप देखेंगे दोनों के केस में Z1 इक्वल टू Z2 दोनों सेम है, तो मैं इसको यहीं से कैंसिल कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट, पानी यहां से एंटर हुआ
अभी इस केस में जो लिक्विड है वो वाटर है, पानी यहाँ से एंटर हुआ था, मतलब डेफिनेटली इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। यहां पर पहुंचने के बाद पानी की वेलोसिटी खत्म हो गई है, मतलब v2 जीरो, सिंपल। हमारे पास क्या बचा लास्ट में, v1 बाय 2g प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g इक्वल टू v2 बाय 2g, सिंपल। दो चीजें बाकी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके यस। अब आपको मालूम है कि स्टैटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखेंगे जो मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर कुछ लिक्विड है कुछ हाइट तक, तो बॉटम पे अगर मेरे को उसका प्रेशर देखना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रो जी एच, एंड दिस इज नथिंग बट अगर, एंड दिस इज ये जो हाइट है इसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड हेड। तो दिस इज, अगर मैं रो जी नीचे लेके आ जाऊं तो ये क्या है, हेड निकाल सकते हैं। तो ये टाइप का जो मैं प्रेशर हेड बोलता हूं दैट इज कॉल्ड हेड ओनली, और ये पी बाय रो जी क्या है, ये हाइट एच। इसकी जगह पर मैं कैपिटल एच लिख सकता हूं, क्योंकि मैं पॉइंट वन की बात कर रहा हूं, पी बाय रो जी एक हेड होता है जिसको प्रेशर हेड बोलते हैं, और आप इस टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब इधर पड़ने वाला प्रेशर आप इससे निकाल सकते हैं, और वो प्रेशर को हम हेड के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का हेड है, हेड कुछ नहीं होता, अगर आपको प्रेशर मालूम है तो आप उसका कन्वर्जन हेड में कर सकते हैं, क्लियर हो गया। मगर यहां पर जो हेड मैंने कर रहा हूं दैट इज इन टर्म्स ऑफ वाटर, जो हाइट निकल रही है इन टर्म्स ऑफ वाटर है, आप कोई दूसरा सॉल्वेंट भी ले सकते तो हेड उसी हिसाब से निकलता है। प्लस बी वन स्क्वायर बाय टू, अब यहां पर देखेंगे आप पॉइंट टू पर पहुंच गए हैं, मैंने क्या बताया कि पी बाय रोजी क्या होता है, एच होता है। अब यहां पर जो पढ़ने वाला हेड, अब आप देखेंगे पी बाय रोजी क्या होता है, एक तरह की वर्टिकल हाइट होती है, यानी जो मैंने यहां पर बताई, और पॉइंट टू से वो हाइट क्या है, एच प्लस स्मॉल एच, एच प्लस स्मॉल एच, इसमें कोई कंफ्यूजन? So therefore, my velocity is 2g, h plus small h, ये h में offset ले लूंगा, ये cancel हो जाएगा, therefore v1 square equal to 2g, h ये क्योंकि मैंने इधर लिख दिया है, therefore v1 is equal to under root 2g h. So this is my velocity by using Pitot. But this is nothing but a theoretical velocity. आपको क्या करना है, सिंपल, ये देखिए h क्या है, यहां से लेके जो हाइट राइज हुई है आप पाइटॉट क्यूब डायरेक्ट इंसर्ट कीजिए, आपके पास फॉर्मूला रेडी है, जितनी हाइट आएगी सेंटीमीटर की स्केल में दी होगी या मीटर की स्केल में दी होगी, सेंटीमीटर की स्केल सपोज आपका आया 5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, यहां पर डालिए, आपको पता चलेगा मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब दैट इज अ थ्योरेटिकल वेलोसिटी। मगर जब कोई मैन्युफैक्चरर आपको ये पाइटॉट ट्यूब देता है तो उसके साथ एक सीवी की वैल्यू देता है, सीवी की वैल्यू ये होती है कि ये इंस्ट्रूमेंट कितना परसेंट काम करता है। सपोज अभी मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरा वी वन है, अब एच तो जब आप पूल पे जाएंगे या फिर कैनल पे जाएंगे एच पता चल जाएगा आपको, सेंटीमीटर में उससे मीटर में कन्वर्ट कीजिए एंड यू विल गेट अ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, क्लियर हो गया। सपोज ये आया 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अ थ्योरेटिकल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब मैंने मैन्युफैक्चरर मेरे को ये बोलता है कि आपकी जो सीवी की वैल्यू है 0.99 है या 0.98, एक्चुअली ये दिस इज अ परसेंट, ये परसेंट को डिवाइड बाय 100 किया हुआ थ्योरेटिकल वेलोसिटी आपकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 0.99 है सपोज, तो मैं काम करूंगा 99 डिवाइड बाय 100, यही मतलब हुआ। देयरफॉर दिस वैल्यू इज 10 इंटू 99% इज 9.9 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर एक्चुअल वेलोसिटी। दिस इज योर एक्चुअल वेलोसिटी, वेलोसिटी, क्लियर हो गया। अगर आप देखेंगे ये आया कैसे, देखिए
फॉर्मूला क्या बनता है आपका, दिस इज योर वी थ्योरेटिकल इक्वल टू दिस इज योर एक्चुअल, ये जो आपने निकाला है दिस इज योर एक्चुअल वेलोसिटी, यही फॉर्मूला यूज किया. सो देयरफॉर आपने क्या लिखा है, देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, वी एक्चुअल इक्वल टू वी थ्योरेटिकल इंटू सी वी, ये लिखा है फॉर्मूला मैंने. तो देयरफॉर अगर आपने को सी वी निकालना है, दिस इज वी एक्चुअल बाय वी थ्योरेटिकल, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पाइटॉट ट्यूब एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन. अगर आपको सीरियसली मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन, इफ यू वांट एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन देन राइट मी इन माय मींस एज अ रिप्लाई.